एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एट होम एंड आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। सो आज हम ये लुक क्रिएट करने वाले हैं। दिस लुक इज़ फॉर अ डे आउटिंग, जो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं, डे कैजुअल आउटिंग पे जा रहे हैं, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं टू मेक दोज ब्यूटिफुल पिक्चर्स एज योर मेमोरी। सो मैं तो बहुत टाइम से बाहर नहीं गई हूँ, लेकिन आज लुक क्रिएट करने के बाद मैं बाहर ज़रूर जाऊँगी। आप लोग लास्ट कब गए थे और कहाँ गए थे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। So we'll have some fun. So let's create this look further. लेकिन उससे पहले आपने मेरे और मेकअप ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। Let's move further and create this look. So quickly let's start creating the day look. सबसे पहले मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर। इसमें मैं आज निविया यूज़ कर रही हूँ। सो आई टेकन द मॉइस्चराइजर, निविया मॉइस्चराइजर। उसके बाद मैं हैंड्स में इसको अच्छे से वार्म करूँगी। वार्म करने के बाद अपने फेस पे डैब डैब करके लगाऊंगी। डे टाइम का मेकअप है, बाहर जाना है तो हमें सनस्क्रीन बिल्कुल भी नहीं भूलना है। न्यूट्रोजिना का सनस्क्रीन लगाऊंगी इसके ऊपर मैं। सनस्क्रीन को भी मैंने अपने फिंगर्स में लेके इसको टैप टैप करके मेरे फेस पे लगा लिया। मेरे को बहुत ही लाइट लुक लेना है, मुझे हेवी लुक बिल्कुल भी नहीं देना है, जस्ट लाइक मुझे नेचुरल लुक देना है। सो आई एम यूजिंग दिस सीसी क्रीम फ्रॉम लैक्मे 925। सो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सीसी क्रीम अपने हैंड में ले ली है। इसको मैं पूरे फेस पे डॉट्स में लगाऊंगी। सो अगर आप हाँ डे टाइम पार्टी के लिए भी यूज़ करते हैं मेकअप, देन ऑल्सो इट्स वेरी गुड। सो यहाँ पे मैं एक ये ब्रश ले रही हूँ, दिस इज़ अ फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश, जिससे मैं अपने पूरे सीसी क्रीम को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी पूरे फेस पे। मैं यहाँ पे मेबेलिन फिट मी यूज़ कर रही हूँ। सो हमें ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा लगाना है, बिकॉज जैसे मैंने कहा डे टाइम है, वी हैव टू कीप इट वेरी लाइट। कंसीलर को मैं बहुत ही हल्का, मैंने सिर्फ यहाँ आईज़ के आसपास लगाया है, मैं ज़्यादा नहीं इसको लगाऊंगी, और इस ब्यूटी ब्लेंडर से इसको डैब डैब करके स्प्रेड कर लूँगी। बस आईज़ के ऊपर भी थोड़ा सा लगा लीजिए। सो वंस द कंसीलर इज सेट, इसके बाद आप कोई भी बनाना पाउडर से सेट कर सकते हैं। मेरी स्किन बहुत ड्राई है, मैं अवॉइड करूँगी इसको लगाना। मुझे थोड़ा सा ड्यूई फिनिश अच्छा लगता है, थोड़ा ग्लॉसी फिनिश अच्छा लगता है, तो मैं इस स्टेप को अवॉइड कर रही हूँ, बट आप इसको लगा सकते हैं। सो लेट्स फिल द आईब्रोज। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का आईब्रो फिलिंग पैलेट लिया है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ माय आईब्रोज, मैं अपनी आईब्रोज फिल करना शुरू करूंगी। वी आर गोइंग टू फिल द अदर आईब्रो एज वेल, इसको भी यहाँ से हम फिल कर लेंगे। के बाद स्पूली ब्रश से इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो हेयर होंगे वो स्कैटर्ड लगेंगे और बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं आएगा। तो आईब्रोज आर कंप्लीट। सो आई एम टेकिंग दिस पैलेट फ्रॉम मेबेलिन द ब्लश्ड न्यूड। हेयर आई एम टेकिंग दिस शेड, ये देखिए जैसे आप ये देख रहे हैं पिंकिश शेड है ये। सो आई एम टेकिंग दिस ब्रश, और इस ब्रश के ऊपर मैं थोड़ा सा लूँगी, इस प्रोडक्ट को ज़्यादा नहीं लूँगी, बहुत थोड़ा सा लेके मैंने इसको डैप किया। नाउ आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन माई आईलेट, इसके ऊपर मैं अपनी क्रीज पे इसको अप्लाई करूँगी। बहुत लाइट, जैसे मैंने कहा डे मेकअप है, बहुत लाइट रखेंगे हम इसको, या बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, बहुत थोड़ा सा, जस्ट दैट कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा बस आईज़ का यू नो थोड़ा सा पिंकिश शेड आने लगा है, दैट्स इट। थोड़ा सा आई लिट के ऊपर लगा लिया मैंने। अब इसके बाद जो इसी पैलेट में एक ये कलर है, हल्का सा ना गोल्डनिश टिंट वाला कलर है, बस मैं इसको इनर कॉर्नर्स ऑफ द आईज पे लगाऊंगी, थोड़ा सा आईलिड पे लगाऊंगी, सो दैट थोड़ी सी इन्हांस हो जाएंगी आईज। यहाँ से मैंने इसको लिया एंड बस हल्का सा, एज यू कैन सी, अंदर की तरफ हल्का सा लगा दिया, दैट्स इट। और यही मैंने इस साइड, मैंने दोबारा से ब्रश उस पर डाला ही नहीं है, सिर्फ ये देख रहे अंदर की तरफ, दैट्स इट एंड वी आर डन। टेकिंग दिस फेसेस का काजल ले रही हूँ मैं। इस काजल से ही मैं हल्की सी ऊपर लाइन ड्रॉ कर लूंगी आईलिड्स पे ही। एज यू कैन सी बहुत लाइट मैंने एक लाइन बना ली है, लाइक अ आईलाइनर, एंड इसी से मैं काजल भी लगा लूंगी। ये देखिए ऐसा स्पॉन्ज ब्रश आता है हमारे पैलेट के साथ ही, इसी पैलेट में ना एक डार्क शेड है, दिस वन, मैं इस बस डार्क शेड पे ये स्पंज में लूंगी थोड़ा सा, एंड जो मैंने अभी यू नो काजल से लाइन बनाई है, इस लाइन को थोड़ा सा स्मज कर लूंगी इससे, और अपने लाइनर के ऊपर ही मैंने इसको बस लगा दिया, और दोबारा लिया और जो मेरे लोअर लाइन है यहाँ पे मैंने, यहाँ देखिए साइड में मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ पे लगा दिया, सो दैट बस थोड़ा सा ना स्मोकी लुक आ जाएगा इससे। जस्ट द लास्ट स्टेप
विच इज़ मस्कारा. मैं यहाँ पे मेबलिन का मस्कारा ले रही हूँ कलोसल. सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई फ्यू यू नो स्ट्रोक्स ऑफ मस्कारा. 3-4 बार ही मुझे अपने यहाँ पे लगाना है आईलैशेस पे. और जो हमारे लोअर लैशेस हैं इस पे भी हम थोड़ा सा लगा लेंगे. तो दी आईज आर डन. इसके बाद हम फेस को थोड़ा सा लिफ्ट करने के लिए ब्लश लगाएंगे. ब्लश इज मस्ट. मैंने ये ब्लश के लिए ब्रश लिया है और एक मैंने ये पैलेट लिया है विच इज LA कलर का पैलेट. बहुत हल्के स्ट्रोक से हम इसको लगाएंगे, ब्लेंड कर लेंगे. लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ मेबलिन की. दिस इज 15 लवर एंड दिस इज सुपरस्टे मैट. सो वी आर डन विद द मेकअप. इसमें मैं आपको बता रही थी साथ साथ में, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज 10 से 15 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा. एंड दिस इज द लुक विच यू कैन क्रिएट. सो लेट्स सी द फाइनल लुक ऑफ इट. सो दिस इज़ द लुक विच आई हैव क्रिएटेड टुडे. आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा. एंड अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या हम इसमें कुछ ऐड या माइनस कर सकते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके. सो हमने इस कैजुअल लुक को बहुत ही सटल रखा है, सो दैट यू नो हमने उस पर हाईलाइटर नहीं लगाया है, हमने मेकअप प्राइमर नहीं लगाया है. हमने इसको बहुत ही ज़्यादा कैजुअल रखा है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं लगे जिससे. सो आई होप आपको ये पसंद आया हो. आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर पक्का से कर लीजिए. एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. बाय.